जय येसु। दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय दोस्तों, आजकल हम येसु ख्रिस्त का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में सुन रहे हैं। कल हमने येसु की वंशावली के बारे में सुना और आज हम यूसुफ के घराने में उनका जन्म कैसे हुआ उसके बारे में सुनते हैं। हम सब किसी न किसी से ताल्लुक रखते हैं, हम किसी वंश से संबंधित हैं, समाज में और इस दुनिया में आदर और सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए किसी परिवार और किसी वंश के साथ जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक समझा जाता है। हम जब किसी परिवार या किसी वंश में जन्म लेते हैं तभी जायज समझे जाते हैं। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अगर कोई बच्चा विवाह बंधन के बाहर या अनुचित रूप से जन्म लेता है तो उसे समाज में और इस दुनिया में किस दृष्टि से देखा जाता है। अतः सामाजिक परिस्थिति को ध्यान देते हुए येसु का एक परिवार में और एक वंश में जन्म लेना आवश्यक था। उसे एक वंश प्रदान करने के लिए संत योसेफ का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। आज के सुसमाचार में हम मुख्य रूप से संत योसेफ के बारे में पढ़ते हैं। सुसमाचार का यही एक अंश है जहां हम योसेफ के बारे में सुनते हैं, दूसरे जगह में हम उसके बारे में कोई जिक्र नहीं पाते हैं। संत योसेफ के बारे में कहा गया है कि वह एक धर्मी व्यक्ति था। वास्तव में वह एक धर्मी व्यक्ति था और उसने भी येसु के मुक्ति कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम हमेशा सुनते हैं कि मरियम ने हामी भरी और येसु के मुक्ति कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि मरियम की उस हामी में योसेफ का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वह सहयोग नहीं करता तो मरियम के लिए कदापि संभव नहीं हो पाता कि येसु को जन्म दे। जरा सोच कर देखिए, ऐसा कौन लड़का है जो पूरी राज्य खुशी से एक ऐसी लड़की से विवाह करे जो पहले से किसी और के द्वारा गर्भवती है। साधारणतः ऐसा संभव नहीं है। योसेफ को भी जब पता चला कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती है तो उसके मन में भी क्या क्या सोच विचार आए होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। फिर भी वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, वह तो उसे चुपके से परित्याग करना चाहता था ताकि वह बदनाम ना हो। उस समय की प्रथा के अनुसार तो उसे जनता के हवाले कर देना चाहिए था और लोग उसे पत्थरों से मार डालते, परंतु धर्मी होने के कारण वह ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर भी वह एक धर्म संकट में था कि करे भी तो क्या करे। जब स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आकर उसे समझाया तो वह उसकी आज्ञा अनुसार मरियम को अपने घर ले आया। अर्थात योसेफ ने भी ईश्वर की योजना में सहयोग करने के लिए अपनी हामी भरी, उसने अपनी स्वीकृति दी। पिछले साल 8 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक हमने संत योसेफ को समर्पित वर्ष मनाया है और पूरे साल हमने योसेफ के बारे में मनन चिंतन किया है कि उसने किस प्रकार एक पति और पिता होने का फर्ज बखूबी निभाया है। योसेफ ने अपनी धार्मिकता का आदर्श दिखाते हुए ईश्वर पर अपनी संपूर्ण आस्था और भरोसा और अपने आप को ईश्वर की योजना के लिए, ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया है। आज हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वे एक आदर्श हैं। हालांकि उनके बारे में सुसमाचार में ज्यादा नहीं लिखा गया है, लेकिन थोड़े में ही उनका जीवन बहुत ज्यादा कह जाता है। जितना संत योसेफ ने किया है शायद उस तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन आइए कम से कम इतना प्रयास करें कि हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा और उसकी योजना को स्वीकार कर सकें, परिवार और समाज में प्रेम और मेल मिलाप से रह सकें। विशेषकर उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें जिनको अपनी पहचान के बारे में कुछ पता नहीं, अपने माता पिता के बारे में, अपने परिवार, अपने वंश के बारे में पता नहीं, उन्हें भी मानवीय आदर एवं सत्कार मिले। इस क्रिसमस के समय अगर हम ऐसे किसी एक को अपना प्यार दिखा सकें तो मैं मानता हूं ना केवल हमारा क्रिसमस अच्छा होगा बल्कि उनके जीवन में भी येसु के जन्म की खुशी लहराएगी। आमीन।